हाँ भाई जट जट भाई। अरे जी साहिल, कैसे हैं आप? एडम, कैसे हैं आप? ठीक है जट सर। सर ये मनाली कैसे जट प्रोनाउंस करते हैं, मुच्छावत। ये नाम कैसे प्रोनाउंस एडम करते हैं आपकी आपका? आवाज ब्रेक हो रही है। जट साहब, जट साहब, मौला जट यार। कुनालियां कुनालियां कितनी चटी हैं आपने? जी सच कितनी कुनालियां चटी हैं आज तक? सर, नालियां की कुनालियां। अब आपकी मर्जी है, नालियां कुनाली जो मर्जी बना लें। यार आपसे डर भी तो लगता रहा, पता नहीं बात कहां से घुमा के ले आएंगे। चले खैर, जितनी मर्जी डाल लो बस। मौला जट कुनाली चट मुछावट। ये साहिल भाई को भी आप जरा ऑप्शन बता दीजिएगा। लास्ट टाइम भी ये मुल्ला जट कह रहे थे, इनको शायद उस करेक्टर का आइडिया नहीं है, सर लेकिन आपके चले मौला खैर। के स्पेलिंग गलत है ना। हाँ मौला डबल नु एल डाल। मौला ना मारे ते मौला नहीं मरदा रे। यस यस एग्जैक्टली। मौला नु मौला ना मारे ते मौला नहीं मरदा रे। नवा आया स्पॉट ऑन सोनिया स्पॉट ऑन स्पॉट ऑन स्पॉट ऑन। छा गए ते मौला जाट साहब, ऐ ते दसो नवा आया सोनिया बस नवा ही है सरकार। ते फिर अत्ता याद सुना देना यार। हत्ता या तो लिल्लाहि व सलावातु व तय्यिबातु व सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातु व सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुह। एंड में गलती कर दी ना, वादा उला शरीका लहु अत्ता याद में नहीं पर आया था। लेकिन एनी हाउ जी सरकार, दसो की चांदे हो, की ख्वाहिश है मेरी? अरे आपसे थोड़ी सी नहीं सर गाइडेंस चाहिए। आपने अभी थोड़ी देर पहले कॉलर को हफ्स के कुरान की पूरी स्टोरी सुनाई थी, मुझे प्लीज उसके रेफरेंसेस चाहिए। आई वांट टू वेरीफाई फॉर माय गूगली पे सेल्फ। जाएं, गूगली पे जाएं, वहां पे लिखें 1924 कायरो कैनोनाइजेशन ऑफ कुरान, और आपको एक छोर 500 आर्टिकल मिल जाएंगे विद कंप्लीट रेफरेंसेस। क्योंकि ये हदीस तो है नहीं कि सही गलत और ये ज़ईफ ये वो, दिस इज अ हिस्टोरिकल इवेंट, सो यू डोंट नीड मी टू गिव यू रेफरेंस। आस्क गूगल एंड इट विल गिव यू सो मेनी आर्टिकल्स। 1924 कैनोनाइजेशन ऑफ द कुरान कायरो, फुल स्टॉप। इसके ऊपर सर्च करें, आपके पास ढेर सारे आर्टिकल आएंगे। और बताएं, हफ्स को ज्यादातर लोग जो है वो झूठा या कजाब कहते हैं, तो इसके लिए कोई ये जो इज़ अ लायर, गूगल पे सर्च लिखे, गूगल पे सर्च लिखे हफ्स इज अ लायर अकॉर्डिंग टू इस्लामिक स्कॉलर्स। आपके पास विकी इस्लाम से लेके हर किस्म का आर्टिकल मिल जाएगा। विकी इस्लाम में उसके सारे विकी इस्लाम को मानता कोई नहीं ना यार। यार आपको किसने कहा विकी इस्लाम को मानता मारे? मैं कह रहा हूँ उसमें रेफरेंसेस के साथ कोटेशन है, उसको यूज करें। मैं कभी भी नहीं कहता विकी को माने, मैं कहता हूँ वहां से रेफरेंस कोटेशन उठाएं और उस बुक में से जाके देख लें। और आप लिख लें हाफिज इज अ लायर। सर दुनिया का कोई स्कॉलर किसी मुफ्ती के पास खड़े होकर कह देना हाफिज इज अ लायर, सर क्यों, किस किसने कहा लायर, वो खुद आपको बता देगा। सर ये तो इतना कॉमन चीज है जिसकी इंता को एक ही बोंगी मारेगा वो बस, कि हदीस के मामले में कुरान के मामले में नहीं। हाँ बस ये बोंगी मारेगा, मगर ये बोंगी आजकल के मुफ्तियों ने कही है, उससे पहले किसी ने नहीं कही थी। आगे चलो अगला सवाल। बस क्या तुम इसका लोगों को इसका गूगल पूरा यूज नाम करना आता क्या है? है? गूगल यूज करो, गूगल प्रॉफिट है भाई आजकल का। चट्टा तो की पता गूगल इस्तेमाल करना यार, तो सिर्फ इस्तेमाल कर लो। चट्टो ते मुछा वट्टो। ठीक है, बस मुझे थोड़ा सा इसी के ऊपर आपसे ये रेफरेंस चाहिए था। आई जस्ट नीड टू डू माय ओन स्टडी इसके ऊपर। बाकी ठीक है भाई, थॉट प्रोवोकिंग है आप लोग। और एक चीज और एडम, योर वर्जन 2.0 इज वेरी गुड। आपकी बात जो है वो अब इट्स वेरी मच मोर इफेक्टिव, बट इसमें जैसे कि जो आपका पहला तरीकाकार था, ऑब्वियसली इवन सो मच सो जो था ना, वो एक बंदा हर कोई वो एक डिफेंसिव से मोड में आ जाता है, तो यू हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज। लेकिन द वे यू डिलीवर्ड इट अर्लियर, द वे यू डिलीवर इट नाउ इज फार बेटर, मतलब कम से कम बंदा सुनता है। सो वर्जन एडम 2.0 इज वेरी बेटर। एक एक गल दसना तानू, एक गल सुनो, जिन्ना नॉलेज मेनू हैगा तुसी सोचो, तानू तुसी मानदे हो मेनू नॉलेज हैगा? बिल्कुल मानते हैं सरकार। मेरे सामने एक बंदा आके जलेबी बनाना शुरू कर दे, ओदी एक जलेबी तोड़ा, फिर दूजी तोड़ा, फिर तीजी तोड़ा, फिर चौथी तोड़ा, मैं दसो कि मेरा हक बनता है कि मैं उन्होंने गाल कड़ा कि नहीं बनता? नहीं नो बाहर कर दो, गाला ना कटिया करो, बस इन्हीं रिक्वेस्ट। सर ओके गालेगी ना सर, वो तुसी बिल्कुल ही तुसी ना ला के रख छड़ दो अगले दिन। सर ओके मैं दस रहा हूं सर, वो भी एकेडम सीकर सी,
کیوں؟ کیونکہ سر میں مینو پتا ہے کہ بندہ جھوٹ باری آ رہا ہے, جھوٹ سے جھوٹ, جھوٹ سے جھوٹ, جھوٹ سے جھوٹ, میں ادھر جھوٹ سے جھوٹ ہی پڑی جا رہا ہے صرف. یار تو یہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں, یار تو یہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں, یار تو یہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں. اچھا گل یہ ہوتی ہے کہ ہر بندے کا نا ایک ٹیمپرامنٹ لیول ہوتا ہے, رائٹ. ہوں یہ کہہ لو کہ میں پہلے میں آنا سا تو میں چونکہ چاہ تے کافی مینوں بڑی پسند ہے گی, ٹھیک ہے, تو میں لائف سٹریم تے آنا سا تو میری چاہ کافی میرے نال پئی ہوندی سی. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੈਫੀਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਂਝ ਹੀ ਹਾਈਪਰ ਐਕਟਿਵ ਮੋਡ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ. 8-8 ਘੰਟੇ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕਰਨੀ ਸਰ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ. ਚਾਹ ਕਾਫੀ ਨਾਲ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਉੱਥੇ ਚਾਹ ਕਾਫੀ ਲਾਏ ਗਏ ਨਾਲੇ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕਰੀ ਗਏ, ਬੰਦਾ ਹਾਈਪਰ ਐਕਟਿਵ ਮੋਡ 'ਚ ਹੁੰਦਾ. ਪਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਚਾਹ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਨਾਬ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਪੀ ਲਈਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਾ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਰੱਖਣਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਬੋਲੋਗੇ ਕਿਵੇਂ ਇੰਨਾ. ਲੇਕਿਨ ਦਾ ਹੋਲ ਆਈਡੀਆ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਯੂ ਯੂਲ ਫਾਈਂਡ ਦੈਮ ਲਾਈਂਗ, ਲਾਈਂਗ ਆਫਟਰ ਲਾਈਂਗ, ਲਾਈਂਗ ਆਫਟਰ ਲਾਈਂਗ. ਯਾਰ ਸਭ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਸ ਉਨਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵੀ ਰਹਿਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਯੂ ਨੋ. ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਹੁਣ ਚਾਹ ਵੀ ਛੱਡੋ, ਤੂੰ ਲੱਸੀ ਪੀ ਕੇ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮਿੱਠੀ ਲੱਸੀ ਪੀ ਕੇ ਮੈਂ ਸੋ ਜਾਵਾਂਗਾ. ਫਿਰ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, ਨਾਲੇ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਐਡਮ ਸੀਕਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਰਾਂਟੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਸਟ੍ਰੀਮ ਤੇ. ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਰ, 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ. 9 ਵਜੇ ਸਟ੍ਰੀਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ 11 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਰਾਂਟੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜੇ ਮੈਂ ਲੱਸੀ ਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂ ਤੇ. ਤੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰੋ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ. ਪਰ ਵਾਧਿਆਂ ਦੀ ਮੁੰਡੇ ਨੀ ਗੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਦਿਲ ਨੀ ਕਰਦਾ ਲੱਤ ਮਾਰਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਵੀ ਗੰਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ. ਚਲੋ ਅਭੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹਮ ਵਹੀ ਕਰਤੇ ਹੈ ਜੱਟ ਭਾਈ, ਤੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਾਰ ਯੋਰ ਸਜੈਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ. ਆਪਕੋ ਜੀ ਹਫਸ ਕਾ ਜੋ ਹਵਾਲਾ ਦਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਆਪਕੋ ਤਰੀਕਾ ਬਤਾਇਆ ਹੈ, ਗੋ ਥਰੂ ਦੈਟ ਐਂਡ ਯੂ ਵਿਲ ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਡੀਟੇਲਸ ਈਜ਼ੀਲੀ. ठीक हो गया. अच्छा वन लास्ट क्वेश्चन, ये मैं एक्चुअली थोड़े दिनों से पहले भी ये मैंने सुना था, ये जो है बुक है दिस इज कॉल्ड इल्म और रिजाल, ये इसके अंदर भी कोई इस तरह का रेफरेंस मिल जाएगा? हाँ, इल्म और रिजाल, इल्म और सॉरी सर प्लीज आप कुछ कहने लगे थे. नहीं नहीं, इल्म और रिजाल, सॉरी नॉट इल्म और रिजाल, असल में रिजाल. हाँ, इल्म और रिजाल का लफ्जी माना ये है, इल्म मतलब नॉलेज, ठीक है, और रिजाल चेन को कहते हैं. तो जो चेन का नॉलेज है बेसिकली इट्स यू नो साइंस ऑफ हदीस, उसको इल्म रिजाल कहते हैं कि भाई वो रावी जो है वो कैसा था, सीखा था या झूठा था, कज़्ज़ाब था, हाफ़ज़ा उसका कमजोर था नहीं था, यही पूरी चीजें उसमें आपको मिलेगी. और कई सारे उलमा ने किताब लिखी है जिसमें उन्होंने रावियों का जो हाल था, जो जिंदगी थी, वो उन्होंने बयान की है, तो वहां से आपको डिटेल्स मिल जाएगी. بیٹھا نا مولا مولے بھی مولا ہی بیٹھا نا آڈم صاحب اے گل ہوئی کہ نا پڑھ پڑھ کے نا پتہ لگا مولے نے مولے نہیں مولا نو مار چھڑیا ہن کریے کی سر اوہ تے کہہ رہا اگے بھی تے مولا ہی بیٹھا نا ایڈم مولا 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 ایڈم مولا مولے نے مولے دی کتاباں نہیں مولے نو مار چھڑیا ہن کریے کی یار بھائی الحمدللہ دماغ دی نا گڈی ہوئی پئی ہے بہت جلدی آئیں گے سر آپ باہر پڑھتے رہیے جتنا پڑھیں گے اتنا اس سے باہر نکلیں گے اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے ٹیک کیئر جی ٹیک کیئر بائے ٹیک کیئر بائے